सऊदी अरब में आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान को बड़े जोरों की मिर्ची लगी है और बहुत डर गया पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान को ब्लैकआउट में छोड़कर भागा है चीन। जानेंगे क्या है मामला, तो वहीं दूसरी तरफ क्या 6 महीने पुरानी चल रही युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ गई है और आखिरकार कौन जीता है। राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त ने ऐसा कौन सा बात कह दिया है जिसके बाद लग रहा है कि अभी तो कहानी बाकी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त रूस और यूक्रेन की लड़ाई का क्या अंत शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो चेचन्या के नेता हैं रमजान कादिरोव, उनको बहुत गुस्से में देखा जा रहा है। अब ये शख्स है कौन, तो जान लीजिए, रमजान कादिरोव पुतिन का बहुत गहरा दोस्त माना जाता है और राष्ट्रपति पुतिन चेचन्या में इसे शासक बनाकर रखे हुए हैं। ये बहुत ही खूंखार भी माना जाता है। कहा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण युद्ध को यही लीड करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक खास सहयोगी है और इस वक्त यूक्रेन का खार्किव प्रांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका हाथ से निकल गया है रूस के, जिसके बाद इनकी बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है। इन्होंने कहा है कि इस वक्त रूसी सेना इस तरीके से लड़ रही है जैसे इनके पास अपने आगे के अभियान के लिए कुछ है ही नहीं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए ये चाह रहे थे जो भी गलतियाँ की गई हैं उनको ठीक की जाए और ठीक करके इस इलाके में फिर से लोगों को पहुँचाया जाए। वैसे आपको बता दें, चेचन्या के इस नेता ने कमान संभाल ली है, 10,000 लड़ाकों को उतार दिया है और ये कहा है कि हम जल्द ही जो भी क्षेत्र हमसे छीने गए हैं उन क्षेत्रों पर वापस से हम कब्जा कर लेंगे। वैसे बता दें, खार्किव में ऐसा कहा जा रहा है कि रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंच रहा है और रूस का नियंत्रण भी यहां पर कमजोर होता जा रहा है, जिसको लेकर रूस के अंदर भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अभी सही सही जानकारी न तो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आई है और न ही सरगेई लवरोव की तरफ से आई है और न ही किसी रक्षा मंत्री की तरफ से या कोई हाई प्रोफाइल सैन्य नेता की तरफ से आई हुई है। पूरी तरीके से शांति छाई हुई है रूस में। रूस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन युद्ध समर्थकों में गुस्सा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने 6-6 महीना यहाँ टाइम लगाया और 6-6 महीना टाइम लगाने के बाद हमें क्या हासिल हुआ। हालांकि जो मकसद था रूस का, डोनेस्क और लुहांस्क, वो तो आजाद हो चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये जंग रूस हार रहा है या फिर रूस अब अपने सैनिकों को समेट रहा है इस इलाके से। जंग में जब तक अंत नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जाता है, इसलिए अभी ये अंत तो नहीं ही है। थोड़ा बहुत हो सकता है सेना आगे पीछे हो रही हो, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। पर हाँ, एक बहुत बड़ी घटना जरूर इंतजार कर रही है जो चेर्नोबिल की तरह होगी, क्योंकि यहाँ जो जापोर्जिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बिल्कुल आइलैंड वाले मोड में चला गया है। इसका आखिरी रिएक्टर भी बंद हो चुका है और अगर ये तबाही लाता है तो ये आसपास बहुत बड़ी तबाही लाएगा जो बहुत ज्यादा विनाश फैला सकता है। खैर, रूस यूक्रेन की लड़ाई का जल्द से जल्द अंत हो जाए तो वही ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है। इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर भाग गया उसका आयरन बिरादर और इस तरीके से छोड़कर भागा है कि एक तो फ्लड है और ऊपर से बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति हो गई है पीओके में। बिजली और ईंधन की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को आयरन ब्रदर चीन ने सीधे सीधे छोड़कर जुलाई महीने से ही जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बंद किया था, अब तो इस हालात तक पहुंचा दिया है कि यहां पर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जिससे प्लांट तक पानी पहुंचाया जाता है वो सब बंद कर दिया गया है। सुरंग में दरार आ गई है और ये कभी भी बैठ जाएगा और चीन यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है, उल्टा यहाँ से लोगों को लेके भाग चुका है। पर इन सब के बीच में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं। सऊदी अरब पहुँचने भर से ही पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। अब पाकिस्तान को किस बात की चिंता लग रही है, पाकिस्तान को लग रहा है कि कुछ भारी नुकसान होने वाला है। आपको बता दें,
जयशंकर सऊदी अरब के 3 दिनों की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और बातचीत के क्रम में उन्होंने क्राउन प्रिंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया लिखित संदेश भी सौंपा। इस संदेश में क्या लिखा था ये बातें तो निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि ये संदेश बेहद खास था। यही वजह है कि पाकिस्तान में बौखलाहट बहुत ज्यादा देखने को मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्राउन प्रिंस सलमान के साथ बातचीत में वैसे तो दोनों पक्षों के रिलेशन को बहुत मजबूत करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है और सिर्फ एक यात्रा में ही जयशंकर ने खलबली मचा दी है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत का खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध हो। उसे लगता है कि कहीं भारत से बढ़ती नजदीकियों की वजह से सऊदी अरब नुकसान न पहुंचा दे पाकिस्तान को। अब खुद उनके जो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक जैसे अब्दुल बासित, उसने कहा है कि भारत के खाड़ी देशों से बनते रिश्तों पर थोड़ा पाकिस्तान को दिमाग लगाना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आखिर खाड़ी देश भारत के साथ रिश्ते क्यों बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तान की नाकामी बढ़ेगी, यानी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल हो रही है। मुस्लिम देशों में खुद ब खुद भारत घुस रहा है, सऊदी अरब, यूएई, खाड़ी देश ये भारत के साथ खड़े हैं, न कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी की बात है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की सऊदी अरब की यात्रा पर आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि दोनों ही कई प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब हाल ही में सुनने में ये आया था कि POK और CPEC में पैसे लगाएगा। कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है और इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन में है पाकिस्तान कि कहीं जो तीसरे पक्ष के रूप में सऊदी अरब करीबन $44 बिलियन लगाने की बात कर रहा था, कहीं उस $44 बिलियन पे भारत ने पानी तो नहीं फेर दिया। यही वजह है कि बहुत ज्यादा खलबली छाई हुई है। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहुँचने का मतलब होता है कि वो बहुत दूर की कुछ सी न किसी चीज को सोच कर पहुँचे हुए हैं, जिसका रिजल्ट भी कुछ अलग ही होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सच्चाई मानी जा रही है कि एक तो CPEC या POK में किसी तरीके का निवेश न करे सऊदी अरब, वहीं दूसरी तरफ भारत के कश्मीर में जो निवेश है उसे बढ़ाए, UAE के साथ मिलकर और भी तरह के निवेश करे ताकि भारत की दावेदारी बेहद मजबूत रहे। वैसे आपको क्या लगता है, डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं तो कुछ न कुछ खास बात तो जरूर होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।